हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मैं आपके सामने कान्हा जी की समर ड्रेस लेके आई हूँ। देखिए दोस्तों, आगे से और पीछे से ये मेरे कान्हा जी को थोड़ी सी लूज़ है, क्योंकि ये मैंने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। तो बिल्कुल 5 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल सही आएगी, मेरे 4 नंबर के कान्हा जी हैं। चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने 10 बाय 4 इंच का मैंने पीस लिया है, और दोस्तों ये 2 फोल्ड है। और इसके नीचे हम जो फ्रिल बनाएंगे, ये पिंक कलर की है, ये 1/2 इंच है, ये 2 फोल्ड है दोस्तों ये भी। तो ये मैंने डबल ली है, क्योंकि इससे फ्रिल बनाने में ज़्यादा ज़्यादा लगेगा कपड़ा। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रिल तैयार कर लेते हैं। इसकी फ्रिल हमें ऐसे बनानी है, ऐसे फ्रिल तैयार कर लेनी है हमें। फ्रिल तैयार कर लेने के बाद दोस्तों, अब हमारा जो जो हमारा कपड़े का पीस है, सीधी सीधी साइड में हमें हमें सीधी साइड में अंदर की तरफ ही ऐसे फ्रिल रखनी है, और इसके ऊपर कपड़े को अंदर की तरफ सीधा है दोस्तों, और ऐसे कपड़े को रख देना है, और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और इसके बाद इसे सीधा कर लेना है। सीधा कर लेने के बाद इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए एक सिलाई और लगा देंगे। और ऐसे मैंने ये सिलाई लगा दी है इसके ऊपर फिनिशिंग की। और इसके बाद दोस्तों, मैं इसमें इलास्टिक डालने के लिए ऊपर से इसे फोल्ड करूंगी। इलास्टिक डाल लेंगे हम अपने कान्हा जी की कमर के अनुसार, आप इलास्टिक देख लेना। अब इसे ऊपर से फोल्ड करेंगे हम, ये इलास्टिक डालेंगे इसमें। ऊपर से पहले फोल्ड करेंगे और फिर इसके बीच में इलास्टिक डालेंगे। दोस्तों, ये ड्रेस कान्हा जी को डली बहुत सुंदर लग रही है। उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी और आप भी बनाएंगे इसे ऐसे। दोस्तों, हम इसे सेफ्टी पिन की सहायता से इसे अंदर डाल लेंगे, और फिर दोनों साइड में सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। फिर अब हम इसे ऐसे उल्टा करेंगे और साइड में सिलाई लगा देंगे, और इसके बाद हम इसे ऐसे खोल लेंगे, फिनिशिंग कर देंगे पहले। और उसके बाद हम इसे ऐसे खोल लेंगे, और यहाँ पर बीच में हम यहाँ बीच में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा देने के बाद में इसमें से हम फालतू कपड़े को कट करेंगे, जिससे कि इसे सीधा करने में आसानी रहेगी। फिर और अब हम इसे सीधा करके दिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, ये ऐसी बनकर सामने आई है। इसके बाद दोस्तों, हम इसका टॉप पार्ट बनाने के लिए
इसका टॉप पार्ट बनाएंगे इसका हम, और उसे भी झालर के साथ डेकोरेट करेंगे। इसके बाद हम टॉप पार्ट बनाने के लिए हमने ये 5 इंच और 3 इंच ऐसे हमने एक पीस लिया है। अब हम इसे 2 फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और बीच में यहाँ कट लगा देंगे। अब इसके बाद में बीच में कट लगा के ऐसे लंबा कट लगा देंगे और यहाँ सिलाई कर देंगे। इसके बाद हम दोनों साइडों में यहाँ पर इसके फ्रिल लगा देंगे जो हमने फ्रिल बना रखी है। और इसके बाद हम लगाने के बाद एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे ऊपर ऊपर की तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे एक। ऐसे लगानी है दोस्तों, ऐसे दबाते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे जिससे कि फ्रिल बिल्कुल दब जाएगी। और ये लगा दी है। अब हम इसे अपने निचले वाले भाग पर इसको एडजस्ट करेंगे, स्टिच कर देंगे इसको हम ऐसे। एक बार इसको ऐसे बीच में प्लेट डाल देंगे और इस पर एडजस्ट कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।